सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माय आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपना तीरा कितना लेना चाहिए जिससे हमारा तीरा बिल्कुल सही आए और हमारे कंधे ना गिरे, क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर की ये प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि उनके जो शोल्डर है वो गिरते हैं और उनके तीरे की फिटिंग एकदम सही नहीं आती, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आप दुबले पतले हैं, मीडियम साइज के हैं या बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आपको अपना तीरा 7 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। 7 इंच से ज़्यादा तीरा हम केवल 2 स्थितियों में रख सकते हैं। एक तो हम अपने जैसे कॉलर वाला गला बनाते हैं तो उसमें हम 7 इंच से ज़्यादा तीरा रख सकते हैं, क्योंकि जो कॉलर वाला गला होता है उसमें हमें नॉर्मल तीरे से 1.5 इंच या 1 इंच ज़्यादा तीरा लेना होता है। और दूसरे, हम 7 इंच से ज़्यादा तीरा तब रख सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और हेल्दी होने के साथ साथ आप छोटे गले पहनते हैं, और छोटे गले पहनने के साथ साथ उनकी गहराई भी कम होती है, तो आप 7.5 इंच तक तीरा रख सकते हैं। और देखिए, एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता रही हूँ, आप दुबले पतले हैं, मीडियम साइज के हैं या हेल्दी हैं, आप अपना तीरा 6 इंच भी रख सकते हैं और उससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं और 7 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन कब आपको तीरा कम रखना है, कब ज़्यादा रखना है, ये बातें मैं आपको बहुत खोल के बताऊंगी और उसका रीज़न भी बताऊंगी। देखिए, आपका कोई भी साइज है, अगर आप गले छोटे पहनते हैं यानी गले की चौड़ाई और गहराई, खास तौर से पीछे के गले की गहराई अगर ज़्यादा नहीं है और चौड़ाई भी 2.5 इंच तक है, पीछे के गले की गहराई मतलब जैसे 5.5 से 6 इंच तक है, तो आप अपना तीरा 7 इंच रख सकते हैं। लेकिन अगर आप गले बड़े पहनते हैं जैसे चौड़ाई 3 इंच या इससे कुछ ज़्यादा और गहराई भी ज़्यादा है, यानी पीछे के गले की जो गहराई है वो 6 इंच से ज़्यादा है, तो आप अपना तीरा 6.5 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमारा तीरा ज़्यादा है और गले की गहराई और चौड़ाई भी ज़्यादा है तो हमारे कंधे ज़रूर गिरेंगे, उसका रीज़न मैं आपको भी बता रही हूँ। देखिए, जैसे ब्लाउज है, इसका तीरा यहाँ तक है और सपोज करिए ये तीरा यहाँ तक होता और इसकी गहराई भी ठीक ठाक है पीछे की, तो जब हम पहनते हैं तो जिनकी गहराई और चौड़ाई ज़्यादा होती है जिन कपड़ों की, वो थोड़े इस तरह से फैलते हैं। लेकिन अगर इसका तीरा भी ज़्यादा होता तो ये फैल के हमारे ये कंधे गिरते, लेकिन अब इनमें जगह ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है फैलने की, तो कितने ये फैलेंगे, फैल के भी हमारे जो कंधे हैं वो गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमारी काफ़ी छोटी है। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, देखिए, अगर हमारे गले की चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन गहराई ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए आपके गले की चौड़ाई 3 इंच है लेकिन गहराई ज़्यादा नहीं है पीछे की, तो भी हमारे कंधे नहीं गिरेंगे अगर हम तीरा ठीक रखेंगे। वो ज़्यादा गहराई पर डिपेंड करता है, अगर चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी ज़्यादा है तो हम तीरा कम रखेंगे, लेकिन अगर चौड़ाई ठीक है यानी 3 इंच तक है और गहराई ज़्यादा नहीं है तो आप तीरा 7 इंच रखें। यानी केवल चौड़ाई मायने नहीं रखती है, चौड़ाई के साथ साथ अगर पीछे की गहराई भी ज़्यादा है तो हम तीरा कम रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आगे के गले की जो गहराई होती है वो एक लिमिट में होती है, लेकिन पीछे के गले की गहराई 1.5 इंच से 11 इंच तक लोग रख सकते हैं, तो पीछे की गहराई ज़्यादा मायने रखती है तीरे की चौड़ाई में। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर एक चीज़ बता रही हूँ, जैसे मैं काफ़ी दुबली पतली हूँ लेकिन जो मैं अपना तीरा रखती हूँ अपने जैसे सूट या कुर्ती वगैरह में, मैं अपना तीरा 7 इंच रखती हूँ लेकिन ब्लाउज में 6 इंच रखती हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो मेरे सूट होते हैं उनके गले की गहराई पीछे से ज़्यादा नहीं होती, काफ़ी कम होती है, इसलिए मैं तीरा 7 इंच रखती हूँ। हालांकि चौड़ाई ब्लाउज़ की भी और सूट की भी बराबर होती है, 3 इंच होती है, लेकिन केवल गहराई की वजह से मैं सूट का तीरा 7 इंच रखती हूँ और ब्लाउज का तीरा 6 इंच रखती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे ब्लाउज के गले पीछे से
गहराई ठीक ठाक इनकी है और इसकी ये देखिए बीच की दूरी ये काफ़ी कम है। और मैं अब आपको अपना एक सूट दिखा रही हूँ, ये देखिए ये मेरा सूट है, चौड़ाई दोनों की बराबर है लेकिन देखिए इसमें और इसमें ये देखिए ये तीरे का फर्क है, क्योंकि देखिए ये पीछे के गले की इसकी गहराई बहुत कम है इसलिए मैंने इसमें तीरा ज़्यादा रखा हुआ है और ये मेरा तीरा गिरता नहीं है बिल्कुल भी, अपनी जगह सेट रहता है। दूसरे देखिए मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, अगर किसी वजह से फिर भी आपके कंधे गिर रहे हैं तो आप ये पट्टी जरूर लगा लें, क्योंकि अगर हमारा तीरा गिर रहा है तो उसमें काफ़ी कंट्रोल कर देती है पट्टी। आप इसको स्टेप को इस तरह से लगा के रखें तो ये काफ़ी रोक लेती है आपका तीरा गिरने से। और मैं समझती हूँ आपको ये तीरे वाली जो ये सारी बातें हैं ये समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। One.